ਕੀ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਦਾ ਇਹ ਘੋੜੇ ਚਿਕਦਾ ਵਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਆ ਵੈਸਨ ਲੈ ਜਾ ਕਾਕੂ ਭਾਈ ਲੈ ਜਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਮ ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਸੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕਾ ਵਲੋਗ ਕਰਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋ ਜਿਸ ਭਾਈ ਨੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੀਜੀਏਗਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੋ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੀਜੀਏਗਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੋ ਆਜ ਮੈਂ ਅਭੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਵਲੋਗ ਕਾਕੂ ਭਾਈ ਕੀ ਬੈਠਕ ਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕੇ ਜੋ ਬੜੇ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਨਕੀ ਹਾਂ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਥਾ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹ ਕਾਸ਼ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਾਸ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਔਰ ਕਾਕੂ ਭਾਈ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਆਣਾ ਤੋ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਵਕਾਸ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਮਨ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਤੋ ਇਨਕੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਲੈ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਟਿਕਟੋਕ ਸਟਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਫਿਰ ਚਲਦੇ ਹੈ ये जी आपके बाइक की आई लुक है कॉटन का सूट पहना ये ऐनक मैंने जो है ना ली थी तकरीबन आज से 1.5 साल पहले तो बहुत दिनों के बाद जो है ना मैंने पहनी है वो भी इसलिए कि मोटरसाइकिल पे जब बंदा हो ना तो आंख में अक्सर मच्छर वगैरह या कुछ चीज़ चली जाती है ठीक है ये हमारे भाई जो है ना जी ये टिकटॉक स्टार बनेंगे इंशाल्लाह एक दिन वो सामने इन्होंने स्टैंड रखा हुआ है और बैठी जो है ना इन्होंने बहुत ही बैठने का बड़ा अच्छा इंतज़ाम बनाया हुआ है अक्सर हम रात को ना इधर ही यहाँ पे मैं होता हूँ वहाँ वकास भाई और बैठ पे ये खुद बैठे काकू भाई ने मोटरसाइकिल लिया था तो अक्सर हम इसलिए इसको नहीं लेके जाते कि देख रहे हैं नंबर प्लेट नहीं लगी हुई इसकी तो मेरे वाले की कल मैं आपको बता रहा था नंबर प्लेट लगी हुई है ये मेरा खड़ा हुआ है लेकिन वो इतनी ख़ास नहीं है ये देखें ना ये मैंने वैसे ही लगवाई है लेकिन नंबर जो इसका ना वो जेन्युइन है 258 अब निकलने लगे हैं तो भाई को याद आया जी जूते पॉलिश करवाने तो मैं कह रहा था कि यार मोटरसाइकिल मेरा भाई ही खड़ा था मोटरसाइकिल पर चलते हैं चौधरी बंदे हैं अपनी बनवानी कहता नहीं पैदल जाना मोटरसाइकिल पे नहीं जाना तो विक्की का मैंने पता किया घर से वो कह रहे हैं भाई वो तो चला गया हुआ कब का निकल गया हुआ तो अभी भाई पॉलिश करवाते हैं और घर वाले जो इनके आते हैं वो रेडी हैं आधे ना दो रहे हैं तेन फोन आया ना तू आखी नदीम को नहीं आया मम्मी को नहीं होना इधर मोची बैठा हुआ पॉलिश कर लिए इधर भाई आए हैं अच्छा चौधरी साहब दी पहले कर आया जी जुतियाँ बैग पाई उस टाइम दी चली चाचा जल्दी करिए पाला जी यार दी काला मसरूफ है रंग साज है काला भाई जान बड़ा वड्डा भी करना ही तो उस तो बाद त्रैक भाई साहब जो है ना अभी फुल रेडी हो गए जिथे पॉलिश हो गए इनके तेरे पैरां दी तेरे पैर मम्मा सोने दे बने तो अभी जो है ना मोटरसाइकिल लेके निकलने लगे हैं यहाँ से नहीं घर से जा रहे हैं पहले व्लॉग में आपने को दिखाया था कि मेले की तैयारियां शुरू हो रही हैं ये जो है ना इन्होंने यहाँ से वहाँ तक टोटली आज पीर जो है ना वो आ रहे हैं ना तो यहाँ इस बाजार में मेला लगना है डिगोगे डिग दो सो जी फाइनली अभी हम पहुँच गए हैं उनके घर के सामने हैं बिल्कुल वो सामने जो है ना काकू भाई का घर है और वो साइड पर देगे बन रही है और सामने ये बिल्कुल खुला है ये लालियाँ का जनाब ना इस इलाके को 4 नंबर चुंगी बोलते हैं इधर इन्होंने न्यू घर लिया था तो विक्की भाई अभी अंदर है तो एक तो पक गई है दूसरी बन दी पहले दही भाई ने दही भाई आकाश भाई भी आ गए हैं बिल्कुल सामने लेकिन उनके साथ जो है ना उनकी आंटी है हाँ खैर बड़ा टाइम ना पड़े तो शहर दिला दे शहर दिला दे नहीं नहीं भाई जान तेरा तो दिल को नहीं जानते तो फिर की होया तू आ गया इतने जट बोर ही होने उ घर बह के भी तंग जी किता मार्क्स वाली सरकार भाई अभी जूते पॉलिश करा गए हैं लेकिन भाई चंगा होया तेरा तेरा इलाज है तो हम दो ली तो आज जी जुत्ती साफ करने की बजाय कपड़े तरका रहे हो बड़ी जाती होगी
वो सामने भाई खड़े हैं। तो अभी इमना लख शरीफ उन्होंने पढ़ाया था दुरूद शरीफ, तो वो पढ़ के अभी बाहर आए हैं, क्योंकि अंदर जो है ना लेडीज़ बैठी हुई हैं वो पढ़ रही हैं अभी तक। तो जो हमें मिला था ना प्लेट पढ़ के उन्होंने दी थी दाम, वो हमने पढ़ ली। विक्की भाई का इतना मजाक उड़ाया ना काकू भाई ने, तो वो सीरियस हो गए थे, वो कह रहा था मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा यार मजाक कर रहे हैं, वो कह सही बात उन्होंने कहा कि यार घर में नहीं है, अगर अपना घर होना था और बात हो। मैं गल दस आप दी भाई और देखना रक्षा ड्राइवर बड़ा सोहना लगते पे बंदा रक्षा लै के देना तो ड्राइवर बड़ा सोहना है बैले चलाई रगड़िया ने शुक्र कर बच गया आज चाह लो सी अल्लाह करे ओ लै देगी लै जा लै जा काकू भाई लै जा एना बिठनी एना बिठनी भाई साहब अभी जो है ना चावलों का इंतजाम शुरू हो गया है। देख भाई रख के आए हैं, सांस बड़ी फूल गई है भाई, वर्दिश करते नहीं है, तो अभी कुछ खा पी लें, दिखाएंगे आपको भी साथ साथ बड़ा बड़ा नहीं कि अलो अकी में करदा अबे की है अबे अकी स्टेप पे केड़ा मारदा ए घोड़े चिकदा बता उस नहीं ना वो वाला स्टेप वो शवली वाला स्टेप दा बड़ा स्वादी लगा ओ शवली वाला स्टेप अपन बड़ा स्वादी लगा ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਰਖਸ਼ਿਤ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਰਖਸ਼ਾ ਲੈ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਖਾਣਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਲਈਆਂ ਨਮਕੀਨ ਮੈਨੇ ਮੰਗਵਾਏ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਭੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਤੀ ਮਿੱਟੇ ਦੇ ਗਈ ਚਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਖਾ ਸਕੇ ਕੁਝ उतार दिया मैंने अभी तो मैं जा रहा हूँ फिलहाल घर वापस क्योंकि जोर का टाइम ही है। भाई साहब अभी मुझे ना नमाज पढ़ रहा था तो तब मिले हैं, ये उनको छोड़ के आए हैं और पता ही नहीं लगा कि कब आ गए हैं। तो अभी कहते हैं कि यार मेरे साथ चलो, हमने जाना है भाईजान दरबार में। ये देखे सामने कवाली हो रही है दरबार में, बहुत ही माशाल्लाह रौनक बनी हुई है नहीं ये डोली की है वगैरह दरबार में जो है ना वो आए हुए हैं, और पीर साहब भी जो हैं वो आगे कवाली शुरू हुई है। भाईजान लंगर जा रही है स्टाइल होया ना यार ये बनता पे माशाल्लाह बड़े सोहने कपड़े पाए भाई गड़ा है साडा माशाल्लाह बहुत प्यारा बहुत प्यारे प्यारे रंग दा पांदा है साडा कपड़ियां दे भाई जान ओ पीर साहब रश नहीं बना इतने चलो 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 ओहो हेलो सारी सोहनी हवेली बनाई इन्होंने अच्छा नहीं लगता हूं तो अस कि खड़े भाई जल्दी कर लो जल्दी कर लो थोड़ा काम जल्दी करो काश भाई अभी जो है ना मोटरसाइकिल लेके आए थे हम चले गए थे पहले घर तकरीबन आधा पौना घंटा मैं घर रहा हूँ अभी असर की भी अजान हो गई थी तो मैं नमाज के लिए आया था जो ये रास्ते में मुझे मिले और ये सामने देख रहे हैं ये हमारे गांव में पहली दफ़ा इतना जनाब इस मेले पर रश हुआ है वरना तो रश इतना खास होता को नहीं है ये आज ज़्यादा ही रश बन गया भाई जान
तो खैर आज का व्लॉग यही कंप्लीट होता है। अपने भाई नदीम अली को दीजिए इजाज़त, अगर अल्लाह ने चाहा तो, जिंदगी ने वफा की, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।